इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज अहम सरगर्मियां बेलगाम में क्या रही उस पर एक नजर। आज भी एहतजाज का दिन ही रहा। मुस्तकिल 3 दिन के एहतजाज के बाद कुछ बसों को आज शुरू किया गया, पर पूरी तरह से नकलो हमल शुरू नहीं हो सका। हासिल इत्तला के मुताबिक KSRTC के मुलाजमीन और सरकार के दरमियान कुछ बातों पर इत्तफाक होने की खबर हासिल हुई है। आज सुबह पुलिस बंदोबस्त के साथ बसेस को शुरू किया गया। बेलगाम DC MG हिरेमठ, पुलिस कमिश्नर त्यागराजन और SP लक्ष्मण निम्बर्गी की मौजूदगी में बसेस को शुरू किया गया। एहतजाजियों को हटाया गया और खुद मुसाफिरों को डरने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान के साथ सफर कर सकते हैं का भरोसा भी दिलाया जा रहा था। एहतजाजियों को अभी भी इत्मीनान बख्श जवाब हासिल नहीं होने की बात कही जा रही है, लिहाजा कुछ देर तक पुलिस इंतजाम में इजाफा किया गया। मुसाफिरों की तादाद भी काफी बढ़ रही थी। कोल्हापुर और दिगर गांवों के लिए बसें शुरू की गई थी, पर कई ड्राइवर इसके बावजूद भी गैर हाजिर रहे। क्या एहतजाज खत्म हुआ या फिर हो सकता है कि चर्चा जारी थी। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को मुसाफिरों की परेशानियों का वास्ता देकर एहतजाज ना करने की बात कही। वैसे भी पुलिस आज बसों को शुरू करने के इरादे से ही मौजूद थी। एहतजाजियों की जगह को भी खाली किया गया था। देर शाम तक बसेस को शुरू किया गया पर मुकम्मल तौर पर नकल हमल शुरू नहीं हो सके। अभी भी कुछ शुबात दिखाई दे रहे हैं, पर कहा यह जा रहा था कि मंगल से मुकम्मल तौर पर बसेस को शुरू किया जाएगा। जो भी एहतजाज खत्म होने पर आवाम ने इत्मीनान की सांस ली है। अभी भी किसानों के हक में आवाज बुलंद होना जारी है। बेलगाम शहर में किसानों की हिमायत में आज भी एहतजाज किया गया। कई तंजीमों की जानिब से किसानों के खिलाफ जिन 3 काले कानूनों को मंजूरी दी है फौरन रद्द करें, MSP की गारंटी दे, लिहाजा बेलगाम जिला कृषक समाज की जानिब से DC बेलगाम को मुतालबा पेश किया गया। जो दिल्ली में किसान पूरे मुल्क के किसानों के लिए सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, इनके साथ हम हैं और हमारा एहतजाज भी इन्हीं किसानों के हक में जारी रहेगा। वाजह रहे कि दिल्ली, हरियाणा, UP, पंजाब और दिगर रियासतों से लाखों किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज से भूख हड़ताल करने का फैसला भी दिल्ली के किसान यूनियन ने लिया है। जब तक मोदी सरकार अडानी अंबानी जैसे सरमाएदारों की तिजोरियां भरने वाले कानून वापिस नहीं लेगी, भूख हड़ताल करते रहेंगे। आज इन्हीं किसानों की हिमायत में मजदूर यूनियन के कायद एडवोकेट नागेश सातेरी ने कहा कि अमीरों को और अमीर बनाने के कानून मोदी हुकूमत बना रही है। किसानों को ही खत्म करने वाले कानून को फौरी तौर पर खत्म करें, वरना महंगाई और आसमान छू सकती है, गरीबों का जीना मुश्किल हो सकता है। अडानी अंबानी किसानों से कम दाम में अनाज खरीद कर महंगे दामों में बेचने का मंसूबा मोदी हुकूमत की जानिब से बनाया गया। आगे नागेश सातेरी ने कहा कि अगर ये काले कानून मंजूर किए जाते हैं तो किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएगा, लिहाजा दिल्ली के किसानों की हिमायत में हम अपना मुतालबा पेश कर रहे हैं। इस वक्त दिगर तंजीमों ने भी किसानों की हिमायत में अपना मुतालबा पेश किया। समाजी खिदमतगार मोहतरमा अकेला पठान भी इस वक्त मौजूद थी। पिरनवाड़ी मच्छे पहले ग्राम पंचायत में शुमार था, पर अब नगर पंचायत में शुमार हो गया, लिहाजा नरेगा के तहत हमें काम नहीं दिया जाएगा, लिहाजा मुतरादिफ काम फराहम किया जाए, ऐसा मुतालबा ग्रामीण कुली कार्मिकर संघ की जानिब से किया गया। पहले पिरनवाड़ी मच्छे ग्राम पंचायत के लिए नरेगा स्कीम के तहत कईयों को रोजगार दिया जा रहा था, पर अब मच्छे पिरनवाड़ी को नगर पंचायत का मर्तबा हासिल हुआ है तो इसके तहत कामों को रोक भी दिया गया। तकरीबन 1200 से भी ज्यादा घरों की रोजी रोटी का मसला है, जिसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो जरूरी है और दिगर स्कीमों योजनाओं के जरिए मजदूर कुलियों को फिर से काम दिया जाए, वरना भुखमरी की नौबत आ सकती है, ऐसा मुतालबा ग्रामीण कुली कार्मिकर संघ की जानिब से बेलगाम DC को दिया गया। इस वक्त कार्मिकर संघ के दिलीप कामत, विश्वेश्वरैया हिरेमठ, दीपा धामनेकर और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।